इसी व्यस्तता के बीच सांसद अपने समर्थकों से मिलने का वक्त भी निकाल रहे हैं। राजस्थान हाउस में हनुमान बेनीवाल, बाबा बालकनाथ, भागीरथ चौधरी, कैलाश चौधरी और जसकौर मीणा के समर्थक जमावड़ा लगाए हुए हैं। और जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार राजस्थान की राजनीति को समझने के बाद आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में तमाम राजस्थान से जुड़कर जो सांसद चुनके आए हैं वो दिल्ली में जमे हुए, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके समर्थक भी। किस तरीके की तस्वीरें उभर रही हैं? स्टूडियो में लाइव ले रहे हो पूरा? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट विजय करण को कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। राजस्थान हाउस में इस वक्त हैं और सांसद बाड़मेर के, बाड़मेर हॉट सीट रही है और उनके नवनिर्वाचित सांसद कैलाश चौधरी हैं, उनके समर्थक हैं। स्वागत, सत्कार और शुभकामनाओं का दौर जारी था। लगातार हम उनकी तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। समर्थकों की उम्मीदें बहुत बढ़ी हुई हैं, उन्हें संभावनाएं बहुत अधिक लग रही हैं और प्रदेश की राजनीति जो कि अब केंद्र में आ चुकी है, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है बाड़मेर और एक कह सकते हैं कि बड़ी हॉट सीट थी, मुकाबला माना जा रहा था कड़ा रहेगा, लेकिन बेहद आसान आपने कर दिया। अब दिल्ली में है, लोगों की मुश्किलें कैसे आसान करेंगे? ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, और उसके बाद में मेरे बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया और इतने ज़्यादा मतों से मुझे जीताया, इसके लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात बाड़मेर और जैसलमेर जो लोकसभा क्षेत्र है, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। तो इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शासन किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। 60 साल उन्होंने राज करने के बावजूद भी वहाँ पर विकास के काम नहीं करवाए, जिसकी वजह से मेरा बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ रहा। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के शासन के समय में सड़कों का निर्माण हुआ और कुछ भी काम हुए किसानों के लिए भी हुआ, लेकिन उसके बाद में दुर्भाग्य से फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर वापस पीछे चला गया। लेकिन उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे काम हुए और जिसकी वजह से विकास की क्षेत्र में हमारा बाड़मेर, यही देखना होगा, रिफाइनरी यही देखना होगा अंकित, कि अब अभी तक तो राजस्थान की बातों को राजस्थान में उठाते रहे, अपने क्षेत्र की बातों को अपने क्षेत्र में उठाते रहे, लेकिन अब अपने क्षेत्र की दिक्कतों को, परेशानियों को संसद के भीतर उठा पाएंगे किस रूप में और उस पर कितना ज्यादा समाधान लोगों को दे पाएंगे, कैलाश चौधरी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकित तिवारी।